नमस्कार केएमयू टीवी चैनल में स्वागत है आपका। आज कोरोना महामारी वैश्विक बीमारी में आज यहाँ लॉकडाउन आज 2 महीना के हो जाने पर हर प्रवरपांतियों यहाँ से पलायन करने की जल्दी में है। हर किसी को अपने गांव जाना है और यहाँ से आज कांग्रेस कार्यालय बलसाड़ से यहाँ कितने जनों को भेजा है तो आज भी उनको यहाँ से छत्तीसगढ़ भेजेंगे। तो आज हमारे साथ है उमरगांव के जो बलसाड़ जिला के प्रमुख कांग्रेस के हैं, तो आज हमारे साथ है दिनेश जी। नमस्कार सर। सर आप यहाँ बलसाड़ ये जो बस जा रही है, तो आज आप पहली बार आएंगे यहाँ पे, तो ये बस जा रही है, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग जा रहे हैं? यहाँ से आज बलसाड़ जिला कांग्रेस तरफ से जो आज छत्तीसगढ़ के बस में कम से कम डिस्टेंस जानकर जैसे आदमी को बिठा के हमें रवाना कर रहे हैं। अब मानता हूँ पहले हम लोग ने बहुत तैयारी भी पास की। हमारा गौरव भाई जी ने जो बड़ी मेहनत की है, भोला जी और गिरीश भाई सब ने साथ मिल के वापिस और बलसर से इतनी अच्छी यूरोप और झारखंड और यूपी के लिए बस ट्रेन रवाना किए। आज हमने शुरुआत किया है झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए। आज हमारा 32 जैसा श्रमिकों को हम लोग बस में नाश्ता पानी सब लेके भेज रहे हैं। कितने लोगों को भेजा है कांग्रेस की तरफ से? कम से कम हम लोग ने ट्रेन के अंदर से कम से कम अमलेट में 4 ट्रेन के मुसाफिर को हमारे किराया देके कांग्रेस के किराया देके किया है। 4 ट्रेन के मुसाफिर राउंड अबाउट एक ट्रेन में 1200, एक में 1600 भी गए, तो ऐसे 4 ट्रेन हम लोग ने किराया इधर से लिया है। और एक MP की बस सर हर जगह से जैसे पर पंचों जा रहे हैं, सब लोग संस्था भेज रहे हैं, वहाँ से सबके पास किराया लिया जा रहा है, तो आप जो यहाँ ये लोग आए हैं तो आपने उसके पास किराया लिया है? नहीं, हम लोग ने किराया दिया है। मतलब किराया उनके पास लेंगे लेकिन उसका पैसा आप कांग्रेस वाले देंगे? हमने इन लोगों ने टिकट बुक करवाया होगा, ये लोग का तो बस का पूरा किराया हम लोग ने दिया। टिकट का पैसा कांग्रेस द्वारा दिया जाएगा? कांग्रेस जैसे जो लोग ट्रेन में गए उसको वो लोग ने टिकट निकाला, वो हमने देखा और हमने उनको पैसा दे दिया। सबको 750 रुपया दिया, किसी का कोई जगह का 7250 है, कोई जगह का 740 है, पर हमने सबको एवरेज 750 का दिया। आज हमारे साथ है कांग्रेस के गौरव पंड्या जी। नमस्कार सर। ये कार्य कोई काफी समय से आप चला रहे हैं, तो बीच में कुछ हुआ था जैसे पुलिस आई थी आपको सब यहाँ पर प्रांतीय को भेज दिया था, तो क्या सर आपने परमिशन ली थी प्रशासन तंत्र से? प्रशासन तंत्र से हमने परमिशन मांगे हुए आज ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, लेकिन यहाँ इस जिला का प्रशासन बहुत गहरी नींद में है और आज तक न हमको हाँ कहा है ना कहा है, और गरीब लोग जो परप्रांतीय लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो हमने तो मांगा है उनसे परमिशन। हमने 5 जगह से इन लोगों के मजदूरों के जाने की व्यवस्था करने के लिए, उनको भाड़ा का पैसा देने के लिए। सर 5 जगह कौन कौन सी? 5 जगह हमने मांगा है। एक तो इधर कांग्रेस ऑफिस वलसाड़ से, दूसरी वापी में स्टेशन के सामने हमारा साथी का दफ्तर है नगर पालिका के बाजू में वहाँ से, तीसरा कपराड़ा में MLA जीतूभाई चौधरी की ऑफिस से, चौथा पहाड़ी में हाईवे पे हमारे कॉरपोरेटर गुरमीत सिंह जी की दुकान है वहाँ से, और पांचवा धर्मपुर से। 5 जगह से हमने परमिशन लिख के मांगा है। इस बात को आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। सर मिली है परमिशन आपको? परमिशन मैंने कहा ना हाँ बोला है ना बोला है। हमने उनसे परमिशन मांगा है, उसका हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है और हमारे साथियों ने पता किया, तो वो एप्लीकेशन वैसे की वैसी पड़ी है कलेक्टर के पास। सर आप जो ये पर प्रांतियों को मदद कर रहे हैं, तो इसके अलावा हमारे जो गांव के लोग जो ये महामारी के वो भी शिकार बने हैं, जो रोज कमाने वाले रोज खाने के लिए, तो उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? उसके लिए तो हमने बहुत कुछ कर दिया है। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी है कि जिसकी हम ज़्यादा प्रसिद्धि करना नहीं चाहते कि हमने क्या किया, हमने क्यों किया, किसके लिए किया, क्योंकि उनको भी आशा है। नहीं मैं आपको समझाता हूँ, मैं वही आपको समझाता हूँ कि यहाँ के जो हमारे स्थानिक लोग हैं उनके लिए तो हमने ऑलरेडी
बहुत कुछ कर दिया है। जहाँ जहाँ रोजगार नहीं, लॉकडाउन में उसी की बात कर रहा हूँ मैं, 24 मार्च के बाद की बात कर रहा हूँ। 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जिन जिन परिवारों को, जिनके बारे में हमें पता चला है, उनके पास हमारी सहाय पहुंच गई है, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है कि जो 5 रुपये का मास्क देने जाते हैं और उसका फोटो खिंचवाते हैं। ये हमारे हमारे हमारी फितर में नहीं है। छत्तीसगढ़ जा रही हो आप लोग? कौन सी पार्टी भेज रही है आप लोग? कहाँ जा रहे हो? ये संस्कार कांग्रेस के नहीं है और इसलिए हम इसकी प्रसिद्धि नहीं करना चाहते। और देखिए, ये हमें समझना चाहिए कि देने वाला तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लेने वाला है वो मजबूर है, तो उसकी उसकी मजबूरी की हम पब्लिसिटी करेंगे। क्या शुक्रिया करोगे आप लोग? ट्रेन से आपका किराया 5 गुना ज़्यादा है। ट्रेन में 750 रुपये लगते हैं, इसमें आपके हर एक के 4000 रुपये लगा है। ये वहाँ जाके सबको बताइएगा, हम बताएंगे ना, बताएंगे सर, जोर से बोलना, हाँ बताना कि कांग्रेस वालों ने हमारी हिफाजत की और कांग्रेस सरकार है बाघेल जी की, इसलिए आपको संभल के वहाँ बस से भेज रहे हैं। एक अच्छा जो परिवार है मजबूर है, क्योंकि 2 महीने से उसके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, वो हाथ लंबा करने वाला नहीं है, मेहनत कर इंसान है, लेकिन आज उसकी ज़रूरत है, उसकी मजबूरी है, उसके अपने परिवार के पालन करना है, तो वो किसी न किसी तौर पे उनको मदद पहुंचाई जाती है तो वो स्वीकारता है, उसकी नुमाइश नहीं की जाती है। और हम इस तरह से देखिए, पर प्रांतियों के लिए भी हमने कभी नुमाइश नहीं की है, हमें करने पे मजबूर किया गया है। किसने किया? इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमने क्या, जिस दिन आदरणीय सोनिया जी ने अनाउंस किया था कि जो पर प्रांतीय लोग हैं, श्रमिक जो जाना चाहते हैं अपने वतन में, उनका खर्च कांग्रेस उठाए, वो क्यों किया? पर प्रांतीय यहाँ से सब चले जाएंगे तो जो ये कंपनी जो भी चल रहे हैं, तो जब कंपनी पूरी तरह से चालू होगी और जब श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा सर? वो सब कंपनी वालों को समझने की जरूरत है। आपका सवाल बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये देखिए, जो काम जो करता है वही करता है, और हमारे यहाँ बाहर से आए हुए श्रमिक जिस मेहनत से, जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह का काम करने वाला श्रमिक मिलना मुश्किल है। तो आपका सवाल बहुत दुरुस्त है कि क्या होगा। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और उद्योग धंधा अपने आप फिर से चलने लगेगा, उस दिन वलसाड़ जिला में बहुत गहरी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि यहाँ से गया हुआ श्रमिक वो खुशी से नहीं गया है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, हम कांग्रेस की ओर से जो कर रहे हैं वो उनको खुशी खुशी सलामती से भेज इसलिए रहे हैं कि कल को उनको ये ना हो कि गुजरात से हमको त्राहिमाम करके भेज दिया गया और हमको ऐसी जगह कतई वापस नहीं जाना है जहां हमको त्रासदी दी गई। तो हम कांग्रेस की ओर से जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई आप जाइए, खुशी से जाइए और जब मौका आए तब वापस आइए। आपका नाम क्या है? करण साहू। आप कहाँ पे रहते हो? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला ग्राम के पास। और यहाँ गुजरात में कहाँ रहते हो? गुजरात में मगरावाड़ी मणिनगर। आप अपने परिवार के साथ अपने गांव जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। शांति से जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होगी तो मैंने ड्राइवर को नंबर दिया है वहाँ के नोडल ऑफिसर का, सीएम ऑफिस का। आपके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल से मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर ट्रेन नहीं चलती है
तो आप बस से भेज दीजिए, तो इसलिए आपको हम बस से भेज रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे केएम न्यूज टीवी चैनल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश टॉबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से।